लोग जानते हैं केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। दरअसल ये केमिकल बॉन्डिंग है क्या? केमिकल बॉन्डिंग तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट, कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट को हम लोग आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रोवैलेंट होते हैं ये बड़ा ही अजीब तरीके के बॉन्ड बनाते हैं, कोवैलेंट। अच्छा, एक बार हम सिंपल में बता देना चाहते हैं, परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से अगर कोई बॉन्ड बना तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से अगर कोई बॉन्ड बना तो कोवैलेंट बॉन्ड, परमाणुओं के मध्य जब साझेदारी होती है, जी अजीब तरीके की साझेदारी, एक परमाणु इलेक्ट्रॉन को दिया दूसरा एक्सेप्ट किया तब जो बॉन्ड बनेगा उसे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। चलिए अब हम लोग एक एक करके जरा इनके बारे में समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। दरअसल इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है क्या, और कॉपी पेन लेके आप बैठ जाइए, हम बोल रहे हैं आप लिखते जाइएगा। परमाणुओं के मध्य क्या हम बोल रहे हैं, परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनने वाले बंध को वैद्युत संयोजक बंध कहते हैं। परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनने वाले बंध को वैद्युत संयोजक बंध कहते हैं, राइट। चलिए ये डिफिनेशन हुआ, जरा इसका हम लोग एग्जाम्पल के बारे में समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे NaCl, NaCl एक बच्चों इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होता है। इलेक्ट्रोवैलेंट अगर ये कंपाउंड है तो इनके मध्य जो बॉन्ड होगा वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होगा। अब ये बना कैसे, जरा हम लोग एक एक करके समझते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 281। क्लोरीन का 17 होता है, 287, राइट। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अभी हमने आपको संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत बता दिया है, अब वहां पे जाके देख सकते हैं। संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पे हमने बताया कोई परमाणु बांड क्यों बनाता है, क्योंकि अक्रिय गैसों की स्थायी संरचना प्राप्त करना चाहता है। यहां पर सोडियम सोचता है भैया अगर हम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे तो अक्रिय गैसों में आयन की संरचना प्राप्त कर लेंगे। क्लोरीन सोचता है अगर हम एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे तो अक्रिय गैसों में आयन की संरचना प्राप्त कर लेंगे। यह है नियान 10 2.8, ये है आर्गन 18 2.8 8। तो क्लोरीन इसके जैसे संरचना प्राप्त करना चाहता है आर्गन के, और सोडियम नियान के जैसे संरचना प्राप्त करना चाहता है। तो इस दृष्टियां में ये करते क्या है, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ 11 बजाय 10 हो जाएंगे 2.8। यहाँ क्लोरीन इसी क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, यहाँ हो जाएंगे 18 हो जाएंगे 2.8 8, राइट। अब ये रहा सोडियम आयन और ये रहा क्लोराइड आयन, दोनों के मध्य एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बल लगेगा और ये बन जाएगा NaCl, एक वैद्युत आकर्षण बल लगेगा और बन जाएगा NaCl। अच्छा, जब सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं किया रहता, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं किया रहता, तो उस दृष्टियां में बड़े खतरनाक होते। अगर सोडियम का एक भी परमाणु आपके अंदर चला गया तो समझ सकते हैं आपके पूरे अंदर के शरीर की पोजीशन को डैमेज कर सकता है। क्लोरीन, अगर आप क्लोरीन की जरा सा सूंघेंगे, स्मेल करेंगे तो जन्नत की सैर करने लगेंगे। बट अगर ये दोनों आपस में कंबाइंड करके जुड़ के इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जब NaCl बना लेते हैं तो हम लोगों को एक अमृत के समान हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं NaCl। और इस प्रकार से हम लोग सीख पाए इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अच्छा, का और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। अब यहां पर जो हम लोग एग्जाम्पल लेंगे वो इसका सेकेंड एग्जाम्पल होगा कैल्शियम ऑक्साइड का, राइट। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20 2 8 2 8 8 2। ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चों, 8 होता है, 2.6। अब आप जरा ध्यान दीजिए, कैल्शियम सोचता है अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो हम भी अष्टक की संरचना प्राप्त कर लेंगे अक्रिय गैसों में, राइट। ऑक्सीजन सोचता है अगर हम भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे तो हम भी उसी तरह संरचना प्राप्त कर लेंगे। अच्छा, ये जो आदान प्रदान होता है केवल आउटर मोस्ट सेल में ही होगा, वैलेंसी सेल में ही होगी ये क्रिया, राइट। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन डोनेट करता है। जब धातु इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो उस पर धन आवेश आता है, यानी कि धन चार्ज लगता है। और डोनेट कब करते हैं, एक्सेप्ट क्यों कब करते हैं, जरा इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। जितने धातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का डोनेट करते हैं, जितने अधातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। और रीजन क्या है, और रीजन की बात करें तो हमेशा धातुओं के बाहरी कक्षाओं में आप देखेंगे 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे, अधातुओं के बाहरी कक्षाओं में 4 या 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे, राइट, 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे। अच्छा, जैसे यहां पर ध्यान दीजिए, कैल्शियम इलेक्ट्रॉन डोनेट क्यों किया, क्योंकि जानता है कि हम कम ही एनर्जी गेन करके इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे। ऑक्सीजन जानता है हम कम ही एनर्जी डोनेट करके 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है,
तो ये अपने एनर्जी लेवल पे कार्य करते हैं, राइट। तो यहाँ पे कैल्सियम जब दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो यहाँ पे 18 हो जाते 288। ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन जब गेन कर लेगा 10 हो जाएगा 2.8। ये आप देख पा रहे दोनों अष्टक की संज्ञा प्राप्त किए और यहाँ ये कन्वर्ट हुआ कैल्सियम आयन में और ये दोनों कन्वर्ट हुए ऑक्सीजन आयन में। तो इस प्रकार से आपस में बदल जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते कैल्सियम ऑक्साइड, राइट। तो इस प्रकार से हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बांड के बारे में सीख पा रहे हैं और अब हम लोग इसके बारे अब इस इलेक्ट्रोवैलेंट बांड के बारे में जानने के बाद हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे इलेक्ट्रोवैलेंसी वैद्युत संयोजकता। चलिए इलेक्ट्रोवैलेंसी के बारे में जान लेते हैं, इलेक्ट्रो वैलेंसी। वैलेंसी तो आप जानते होंगे लेकिन इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है बच्चों, जरा इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अच्छा बात करें इलेक्ट्रोवैलेंसी, जैसे NaCl है तो NaCl में सोडियम और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होगी। अच्छा इसका सेकंड जो पॉइंट है MgCl2, MgCl2 में मैग्नीशियम क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होगी। थर्ड पॉइंट AlCl3 में एल्यूमिनियम और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होगी, राइट। और जैसे CaO कैल्शियम ऑक्साइड, फोर्थ पॉइंट कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होगी, तो इन सभी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। दरअसल कहा जाता है परमाणुओं के द्वारा त्यागे गए और ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की संयोजकता होती है। अब जैसे यहाँ पर सोडियम है, सोडियम क्या करता है 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है भैया। जैसे सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है 1, क्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है 1, सोडियम की वैलेंसी 1, क्लोरीन की वैलेंसी 1, राइट। इसी प्रकार मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसकी वैलेंसी 2, और क्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है 1, तो क्लोरीन की वैलेंसी 1 होगी, 2 क्लोरीन की 2 हो जाएगी। इसी प्रकार आप यहां पर आ जाइए, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 3 क्लोरीन होगी और वैलेंसी इसकी 3 हो जाएगी। कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें तो यहां पर इसकी वैलेंसी कितनी 2 और इसकी वैलेंसी कितनी 2, राइट। इस प्रकार से हम लोग तत्वों की संयोजकता निकालते हैं, ये बात समझ में आई। तो ये बड़ा सिंपल फंडामेंटल है इलेक्ट्रोवैलेंसी हम लोग कैसे मालूम करते हैं। चलिए अगर ये आप लोग जान गए हो तो अब हम लोग जानते हैं वैद्युत संयोजी बंध बनाने की दशाएं, किस दशा में वैद्युत संयोजी बंध बनता है। हेडिंग डालिए वैद्युत संयोजी बंध बनने की दशाएं, क्या दशाएं हैं, किस दशा में वैद्युत संयोजी बंध बनता है, राइट। तो इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। जरा आप अपने माइंड में विचार करिए कि वैद्युत संयोजी बंध बच्चों बनता कब है और कैसे बनता है, इसका कारण क्या है वैद्युत संयोजी बंध बनने की। पहला फैक्टर जब हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बांड बना रहे थे तो वहां पर हमने आपको बताया संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, परमाणुवीय अष्टक की संरचना प्राप्त करने के लिए वैद्युत संयोजी बंध बनाते हैं, ये आपका सबसे फर्स्ट पॉइंट रहा। वैद्युत संयोजी बंध इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो अष्टक की संरचना प्राप्त करना चाहते हैं। सहसंयोजी बंध इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो अष्टक की संरचना प्राप्त करना चाहते हैं। कोऑर्डिनेशन बांड इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो अष्टक की संरचना प्राप्त करना चाहते हैं, तो बांड इसीलिए बनते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहते हैं जब एक प्रबल धन विद्युति दूसरा प्रबल ऋण विद्युति परमाणुवीय आपस में संयोग करेंगे तब इनके मध्य वैद्युत संयोजी बंध बनता है। अच्छा प्रबल धन विद्युति और ऋण विद्युति की बात करें तो जैसे इधर लिथियम हुआ, सोडियम हुआ, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, राइट। इधर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम। उधर प्रबल ऋण विद्युति जैसे नाइट्रोजन होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, फास्फोरस होता है, सल्फर होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो होते हैं प्रबल ऋण विद्युति और ये जो होते हैं प्रबल धन विद्युति, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो पॉजिटिव और वीक इलेक्ट्रो पॉजिटिव, यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो नेगेटिव और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो इस प्रकार जब प्रबल धन विद्युति प्रबल ऋण विद्युति परमाणु आपस में सहयोग करते हैं तो इनके मध्य वैद्युत संयोजी बंध बनता है। अच्छा तीसरे इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करें, जब दो परमाणुओं के मध्य विद्युत धनात्मकता का अंतर 1.7 से क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए 1.7 से क्या हो सकता है, इस पर आप विचार करिएगा।
1.7 से क्या हो सकता है जब दो परमाणुओं के मध्य विद्युत युग्मकता का अंतर 1.7 से 1.7 या इससे अधिक हो तब इनके मध्य वैद्युत संयोजी बंध बनता है। चलिए अगर आप ये सीख गए हो तो अब हम लोग वैद्युत संयोजी यौगिक के बारे में जानते हैं, किस प्रकार के यौगिक को हम लोग वैद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड वैद्युत संयोजी यौगिक। अच्छा ये बताइए किस प्रकार के यौगिक को हम लोग वैद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। जिस यौगिक में वैद्युत संयोजक बंद होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत संयोजक यौगिक कहेंगे। जैसे NaCl क्या वैद्युत संयोजी यौगिक नहीं है, CaO वैद्युत संयोजी यौगिक नहीं है, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या वैद्युत संयोजी यौगिक नहीं है, MgCl2 क्या वैद्युत संयोजी यौगिक नहीं है, CaCl2 क्या वैद्युत संयोजी यौगिक नहीं, ये सब इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, वैद्युत संयोजी यौगिक होते हैं, राइट। इस प्रकार से हम लोग वैद्युत संयोजी यौगिक के बारे में जान पा रहे हैं। जिस यौगिक में वैद्युत संयोजक बंद होता है उन्हें हम लोग वैद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। अच्छा इनके जरा कैरेक्टर के बारे में जानते हैं। अब ये आपने वैद्युत संयोजी यौगिक को लिख दिए, आप इनका डिफिनेशन भी बता दिए, भैया जिस यौगिक में वैद्युत संयोजक बंद होता है उन्हें हम लोग वैद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। अब अगर आप कोई पूछ ले कि इनके कैरेक्टर के बारे में बताइए, इनका आप लक्षण क्या जानते हैं, तो आप इनके लक्षण क्या जानते हैं, आप ऐसे समझिए इनके गलनांक उतना क्या होते हैं, उच्च होते हैं, बहुत ही